please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खबर इस वक्त नीतीश कुमार हम तक पहुंचा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सेना को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट से सतर्क रहने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने सेना को अलर्ट करते हुए गुरेज, माचिल, केरन और तंगधार के साथ साथ कृष्णा घाटी में भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की मौजूदगी देखी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ सीमा पर 100 से 200 बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप को लेकर भी सतर्क रहने को कहा है। नीतीश कुमार फोन पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। नीतीश, किस तरह से इस अलर्ट को देखा जा रहा है और साथ ही और क्या कुछ इनपुट्स? देखिए हिमानी, अभी जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है LOC के पास, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, माचिल सेक्टर है, इसके अलावा तंगधार सेक्टर है, केल है, इन सब के अराउंड जो है बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की, वहां पर उसका मूवमेंट देखा जा रहा है। तो ये जो है ये एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कि आने वाले दिनों में या एक दो दिन में ही काफी बड़ा जो हमला कर सकते हैं। दरअसल जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है उसमें आगे का जो लेयर होता है वो आतंकवादियों का होता है और कवर फायर जो है प्रोवाइड कराती है पाकिस्तान आर्मी की टीम। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं, पूंछ के आसपास के जो सेक्टर्स हैं, वहां पर SSG जो स्पेशल सर्विस ग्रुप जो उनके कमांडोज होते हैं उनका भी मूवमेंट देखा जा रहा है। और ऐसा जो इंटरप्रेट किया जा रहा है कि इन दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन से कोई बड़ा हमले को जो अंजाम दिया जा सकता है, बीएडिंग हो सकती है या फिर किसी तरह का, इसको लेके जो है सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और पूरी तरह से वहां पर गश्त जो है चौकसी चाक चौबंद जो है हो गई है बॉर्डर पर। सेना भी काफी पूरी तरह से अलर्ट है खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद। शुक्रिया नीतीश। विवेक गुप्ता मुंबई से बड़ी खबर दे रहे हैं। देश की नौसेना में आज अब तक का सबसे घातक युद्धपोत INS किल्टन शामिल होगा। कमोटा क्लास श्रेणी का INS किल्टन पनडुब्बियों को भी मार गिराने में सक्षम है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने इस युद्धपोत में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। INS किल्टन को भारी भरकम टॉर्पीडो के साथ ही ASW रॉकेटों से लैस किया गया है। इसमें 76 MS कैलिबर की मीडियम रेंज की बंदूक और 2 मल्टी बैरल 30 mm गन भी लगी है। और मुंबई से विवेक गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ। विवेक, और क्या क्या फीचर्स हैं INS किल्टन में? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शिप है ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है और युद्ध के समय ये जो शिप है वो सबसे आगे यानी कि ये फ्रंटलाइन शिप रहेगा अगर कोई युद्ध होता है तो। आपको एक और बात बताना चाहेंगे, INS कॉर्मेट का ये जिसमें 4 एंटी सबमरीन शिप बनाए जा रहे हैं जिसमें 2 ऑलरेडी बनकर भारतीय नौसेना में शामिल है, ये तीसरा शिप है जिसका नाम INS किल्टन है। और इसकी खास बात ये है कि ये पूरी तरह से एंटी सबमरीन वॉरशिप के मद्देनजर इसको बनाया गया है, यानी कि इसके आसपास दुश्मन की कोई भी सबमरीन आएगी ये जहाज उसे आसानी से भाप सकता है और अपनी एंटी मिसाइल से उस सबमरीन को, दुश्मन की सबमरीन को आसानी से उड़ा सकता है। तो ये जो 4 शिप है वो लगभग बन के पूरी तरह तैयार हो गए हैं और अभी कुछ ही समय बाद भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की निर्मला सीतारमन के हाथों इस शिप का कमीशन होना है और आज ये INS किल्टन जो एंटी सबमरीन वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। जी शुक्रिया विवेक। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि उत्कर्ष चतुर्वेदी हम तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने की बात कही गई है। कुछ दिन पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में रह रहे जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान करके उन्हें बाहर निकालने के आदेश दिए थे। दरअसल जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए इन अवैध घुसपैठियों को भी जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से जारी जो एक ट्वीट किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों का चिन्हीकरण किया जाए। उत्कर्ष और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। उत्कर्ष, कैसे देखें हम इस आदेश को? क्या ये सिर्फ बांग्लादेशियों तक ही सीमित है या फिर औरों पर भी? क्या एक्शन प्लान किया है योगी सरकार?
देखिए हिमानी, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर कहा है कि उत्तर प्रदेश से अवैध विदेशियों को बाहर निकाला जाए जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं। बांग्लादेशियों का नाम लिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान है या जो बात कही गई है, जो अधिकारियों को निर्देशित है, वो साफ साफ उन्होंने कहा कि जितने भी विदेशी जो कि अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश है, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक हो, चाहे वो बांग्लादेशी नागरिक हो, हर वो व्यक्ति जो कि सरकारी कागजों के बिना सही तरीके से या विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहा है, इन सबका डेटा बेस इकट्ठा करिए, इन सबके आंकड़े इकट्ठा करिए और उसके बाद उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर किया जा सकता है, इस एक्शन प्लान को तैयार करके मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट देनी है। दिवाली के बाद उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग इस ओर कार्रवाई शुरू करेगा, अपने आंकड़े जुटाना शुरू करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगा। शुक्रिया आकाश। रारुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद तलवार दंपति आज दासना जेल से रिहा हो जाएंगे। आज राजेश तलवार के वकील कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी के साथ एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट से रिहाई के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद रिहाई के कागजातों को दासना जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद दोनों की रिहाई की जाएगी। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में तलवार दंपति को बरी कर दिया था, लेकिन फैसले की कॉपी न मिलने की वजह से उनकी रिहाई अटकी हुई थी। राजेश और नूपुर तलवार आज दासना जेल से बाहर आ सकते हैं। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर को आरुषि और हेमराज के कत्ल के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन उसके बाद कानूनी कार्रवाई की वजह से अब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस मामले में राजेश और नूपुर तलवार के वकीलों ने सर्टिफाई कॉपी, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, उसकी सर्टिफाई कॉपी शुक्रवार देर शाम उन्होंने निकाली। उसके बाद आज, क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ गई थी, सोमवार का दिन है आज, आज 10 बजे जैसे ही कोर्ट खुलेगी, दस्तावेज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजेश और नूपुर तलवार के वकील लेके आए हैं सर्टिफाइड कॉपी, उसको यहाँ पर कंसर्न कोर्ट जो कि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत है उसमें सबमिट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ के यानी सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को लेकर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जाएगा दासना जेल, वहाँ पर जेल प्रशासन को वो कॉपी सौंपी जाएगी और उसके बाद राजेश अनुपुर के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो पाएगा। शाम तक उम्मीद है, क्योंकि कार्रवाई में कुछ वक्त लग सकता है, ऐसे में शाम तक उम्मीद है कि राजेश अनुपुर जेल से बाहर आ पाए। इस बीच दो जो कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक दो ऐसे गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई भी शख्स इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो ऐसे में राजेश और नूपुर को कोर्ट में हाजिर करने की जरूरत पड़े तो उन दो गवाहों की मदद ली जाएगी। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। बहरहाल शाम तक उम्मीद है कि राजेश और नूपुर दासना जेल की चारदीवारी से बाहर आ जाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ ब्रजेश तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। इस वक्त हम गाजियाबाद की दासना जेल के बाहर खड़े हुए हैं और इसी दासना जेल में 2013 से आरुषि हेमराज हत्याकांड के जो आरोपी थे, जो दोषी थे, डॉक्टर नूपुर तलवार और राजेश तलवार इस जेल के अंदर बंद थे। 2013 से ही दोनों यहां पर बंद थे और आज उनकी रिहाई होना है। 10 बजे गाजियाबाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई होने के बाद बताया जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त यहाँ पर लगेगा जब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दासना जेल में आएंगे। कल जेल प्रशासन ने न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए ये बताया था कि डॉक्टर नूपुर तलवार और राजेश तलवार ने अंदर एक डेंटल हॉस्पिटल जो है, क्लिनिक है, उसका सेटअप लगाया है और उसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। और उसी बात को लेके जो जेल प्रशासन है उन्होंने डॉक्टर तलवार से अनुरोध किया है कि वो रिहाई के बाद भी यहाँ पर रेगुलर विजिट करने आए और जिस पर तलवार दंपत्ति ने हामी भर ली है उनका कहना है कि वो यहाँ के जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनका इलाज करने के लिए बाकायदा लगातार यहाँ पर विजिट करने के लिए आएंगे। इसके अलावा राजेश तलवार का जो मेहनताना है करीबन 45,450 रुपये बना है जो उन्होंने लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो जो पैसा है वो यहाँ की भलाई के काम में आएगा। नूपुर तलवार का भी जो मेहनताना बनता है उन्होंने वो लेने से मना कर दिया है। वो अपने साथ जो भी साजो सामान लेके आए थे जेल मैनुअल के हिसाब से जो होता है वो उन्होंने यहीं पर जो गरीब कैदी हैं उनको देने का फैसला किया है। इसके अलावा जो धार्मिक किताबें हैं या इतिहास की किताबें हैं या आध्यात्मिक किताबें हैं जो अपने साथ वो यहाँ पर पढ़ने के लिए लाए थे वो भी उनका कहना है कि वो यहाँ पर जेल की जो लाइब्रेरी है उसको डोनेट करेंगे। दिवाली हमने 9 साल हो गए सेलिब्रिटी किया तो अलग होने दिवाली हमने 9 साल हो गए सेलिब्रिटी किया तो अलग होने की बातें नहीं है। इट विल बी
इस बार करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बोल बोले हैं। मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि मुगलों की कलंक कथा किताबों में लिखी गई है। चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो या फिर बाबर ही क्यों ना हो, उन लोगों के इतिहास को निकालने का काम किया जा रहा है। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के विधायक संगीत सोम एक बार फिर विवादास्पद बयान के साथ सुर्खियों में हैं। संगीत सोम ने साफ कहा, ताजमहल को निशाना बनाते हुए कहा कि अभी तक केवल तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी। ताजमहल को भी एक धर्म विशेष के साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास बदल रहा है और जल्द ही इतिहास बदलते हुए दिखाई देगा। लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये उनके राजनीतिक विरोधियों का कहना है। लेकिन संगीत सोम का साफ कहना है कि जिस तरीके से इतिहास के साथ अभी तक छेड़छाड़ की गई और तुष्टीकरण की एक राजनीति चलती रही थी एक धर्म विशेष के साथ, वो अब नहीं सहा जाएगा और इतिहास बदलते हुए लोग देखेंगे। लेकिन ताजमहल जो दुनिया भर में देश की शान का प्रतीक है, उसको आड़ में निशाना बनाते हुए कहा कि ताजमहल जब सूची से निकला जो तो कई लोगों को काफी परेशानी हुई और ये वही लोग हैं जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। जाहिर बात है कि अब इस तरीके के जो सांस्कृतिक धरोहर है देश की, उनको लेकर भी एक दूसरे पर निशाना बनाया जा रहा है और ये सीधे तौर पर उसी कोशिश का एक नतीजा है। विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जब से इन लोगों ने सरकारें बनाई है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर देश में हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के बीच में लड़ाइयां करवा रहे हैं और अब भविष्य बनाने की जगह देश के इतिहास से ही लड़ रहे हैं। संगीत सोम जैसे लोग कोई इतिहासकार नहीं है, ये आधे हुए लोग तो इनकी पूरी पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हुई है। इसमें सिर्फ एक दूसरे के को भड़काने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। झूठ में इनकी पीएचडी है और इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। बहुत जल्दी ही इनकी राजनीति की इतिहास होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में इधर लिखा है कि दिल्ली का हैदराबाद हाउस भी आक्रांताओं ने बनाया था, क्या पीएम मोदी विदेशी नागरिकों की मेजबानी बंद करेंगे? मुझे बताइए कि देश के इतिहास में जो बाबर महान हैं, औरंगजेब महान है, उनके नाम पर सड़कों के नाम रख दिए गए, ये रख दिया गया, और एक काम बाबर ने ऐसा कौन महानता का किया, कौन सा औरंगजेब ने ऐसा महानता का काम किया, कौन सा शाहजहां ने ऐसा महानता का काम किया जो इतिहास में उन्हें केवल वोटों के चक्कर में लोगों ने उन्हें इतिहास में इस तरीके से दिखाया है। उन्होंने तो हमेशा हमेशा हिंदुस्तान में बर्बादी का काम किया है, चाहे बाबर रहे हो चाहे औरंगजेब रहे हो, इन्होंने जितना अत्याचार कर सकते थे, जितना हिंदू समाज पर अत्याचार कर सकते थे वो किया। जितने बड़े बड़े देश में आप देख लीजिए, जितने मंदिर थे वो सब तोड़वा के इन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया, तो कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया जो इतिहास में इतना बड़ा उनके लिए लिखा जाएगा। जो जो इतिहास में गलती है वो सही तरीके से इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वो सही तरीके से किताबों में आएगा। आप देख लीजिए इमरजेंसी में कितने लोगों की बर्बाद हुए थे, 1,40,000 लोग जेल में थे बिना ट्रायल, कितने लोग परिवार बर्बाद हुए थे उसमें। फिर आप देख लीजिए ये 84 में कितने सिखों की नर्सिंग घाट की, 1988 में हाशिमपुरा और मेरठ में मुसलमान युवकों को नर्सिंग घाट की, तो ये तो कांग्रेस की तो इतिहास ही है खून का। और कितने लोगों को उन्होंने गायब किया, राजेश पायलट को गायब किया, माधवराव सिंधिया को गायब किया, जितेंद्र प्रसाद को गायब किया, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई नीति राज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी हुई थी, और रघुवीरा जो थे जनसंघ के प्रेसिडेंट उसकी भी हत्या हुई थी रोड एक्सीडेंट में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस तो खून भरा है हमारे देश में, ये तो सत्यांश है।